तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पिना होता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर कैनल होता है, फिर उसके बाद ईयर ड्रम, फिर यहाँ पे तीन छोटे छोटे बोन्स आते हैं जो कि डेलिकेट्स बोन होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। हैमर हो गया, एनविल हो गया, स्ट्रिप हो गया। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है ये हमारा ओवल विंडो से कनेक्ट होता है जिसमें कॉकलिया कनेक्ट होता है। इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड रहता है और लिक्विड से हमारा ऑडिटरी नर्व कनेक्ट होता है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो इसको यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर ईयर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आउटर ईयर जो कि बाहरी हिस्सा हो गया, मिडल ईयर जो कि बीच का हिस्सा हो गया, और इनर ईयर जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट पार्ट होता है जो अंदर की साइड रहता है। तो जो हमारा आउटर ईयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, और यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस हुई तो जब यहाँ पे कोई वेव आएगी तो सबसे पहले वो किससे टकराएगी, पिन्ना से टकराएगी। किससे टकराएगी, पिन्ना से, जो कि हमारे सबसे आउटर पार्ट होता है। अब वेव यहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे घूम फिर के ऐसे घूमेगी 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 घूमेगी, फिर ये क्या जाएगी, अंदर जाएगी। तो अंदर जाएगी तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, वो ईयर कैनाल पे। और पिन्ना से लेकर जो ईयर कैनाल की जो दूरी होती है वो यहाँ पे क्या रहती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। सबका अलग अलग कान होता है तो यहाँ पे डिफरेंस भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं एवरेज की बात करूँ तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी रहती है पीना और ईयर कैनाल की। और जो ईयर कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है, एंड पार्ट कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। क्या होता है वो, हमारा ईयर ड्रम होता है जो काफ़ी पतली मेम्ब्रेन से बना होता है, जो काफ़ी पतली मेम्ब्रेन से बना होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे काफ़ी हम बहुत तेज़ साउंड सुनते हैं तो हमारा ईयर ड्रम जो है ख़राब भी हो सकता है, फट सकता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। और इसका जो यहाँ पे शेप रहता है आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे जो शेप है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सर्कुलर शेप रहता है ईयर ड्रम का। ईयर ड्रम का जो यहाँ पे शेप रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है, सर्कुलर रहता है और काफ़ी पतला रहता है। और इससे हमारे तीन बोन्स कनेक्ट होते हैं जो कि काफ़ी मुलायम होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला हमारे यहाँ पे क्या है, हैमर है, फिर एनविल है, और थर्ड स्ट्रूप है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुई, फिर यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे ईयर ड्रम होगा। तो ईयर ड्रम यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा, इसके वाइब्रेशन से सबसे पहले जो हमारा वाइब्रेट करेगा वो हैमर वाइब्रेट करेगा। हैमर से हमारा एनविल कनेक्ट है, फिर ये वाइब्रेट करने लगेगा। उसके बाद हमारा स्ट्रिप वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिप यहाँ पे इलास्टिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो, ओवल विंडो जो हमारे यहाँ पे है ये हमारा क्या, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये भी यहाँ पे सर्कुलर शेप में रहता है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेट करने के कारण यहाँ पे जो कोकलिया का लिक्विड है, कोकलिया एक यहाँ पे कॉइल ट्यूब में रहता है, जैसे आपको दिख रहा है मोटिन शेप में हो गया, तो ये बिल्कुल कॉइल की शेप पे रहता है। क्या रहता है, ये कॉइल की शेप में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो जब यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी, ये क्या, लिक्विड हिलने लगेगा, ये लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, हिलने लगेगा। और ये लिक्विड किससे कनेक्ट है, हमारा ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट है। और ऑडिटरी नर्व किससे कनेक्ट है, हमारा ब्रेन से। तो यहाँ पे ब्रेन को हमारी साउंड पता चल जाएगी कि हमें किस चीज़ की साउंड आ रही है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो साउंड है पहले किस पे जाएगा, पिना पे जाएगा। वाइब्रेटिंग बॉडी है, पिना में एंटर करा, पिना से ईयर कैनाल की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर है, और ईयर कैनाल का जो एंड पार्ट होता है वो ईयर ड्रम होता है, सर्कुलर शेप में रहता है, और सबसे थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सर्कुलर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो सबसे पहले हैमर वाइब्रेट करेगा, उसके बाद एनविल करेगा, फिर स्ट्रिप करेगा। स्ट्रिप जो है हमारा और कोकलिया, ये किससे कनेक्ट है, ओवल विंडो से, जो कि यहाँ पे क्या है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे स्ट्रिप के जरिए ये यहाँ पे कोकलिया का जो अंदर वाला लिक्विड है वो वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो ब्रेन से हमारा एक ऑडिटरी नर्व कनेक्ट होता है, तो वो हमें बताता है कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमारा इनर पार्ट होता है, और मिडल पार्ट में हमारा हैमर एनविल स्ट्रिप आ जाते हैं। होप आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया और वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। और ये सबसे सिंपल डायग्राम है, अगर आपको बनाना हो तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। होप आपको यहाँ पे वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक।